नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर जो पटवारी भर्ती है उसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ। अब देखो, लास्ट दो मंथ से स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे थे कि जो पटवारी भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाती, लेकिन अभी तक जो 2998 पद है उनके ऊपर अभी तक जो आपकी पटवारी भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई है। साथ ही में जो आपकी आचार संहिता है वो आपकी लग चुकी है, ठीक है। साथ ही में जो राजस्व विभाग है, मतलब कि राजस्व मंडल है, उन्होंने पहले से ही प्रस्ताव भेज दिया गया था राजस्व विभाग को। उसके बाद में भी यहाँ पर एक तरीके से पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। और अब आपको पता है कि आपकी आचार संहिता लग चुकी है, 23 नवंबर से आपके जो एक तरीके से चुनाव है वो इलेक्शन है वो आपकी स्टार्ट है। अब देखो, 23 नवंबर को आपकी देव उठनी 11 है, उसकी वजह से शायद जो चुनाव की डेट है वो आगे पोस्टपोन भी हो सकती है, मे बी हो सकती है, ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी उसी के बाद में आपके दिसंबर में जो आपकी काउंटिंग वगैरह है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, आप सभी छात्रों को क्लियर करना चाहूंगा, अभी देखो इन पदों के ऊपर एक तरीके से भर्ती अटकी चुकी है, ना तो इनके ऊपर एक तरीके से स्वीकृति है, वो स्वीकृति भी नहीं मिली है। साथ ही में लास्ट ईयर आपको पता हो, मतलब कि लास्ट ईयर क्या, उससे पहले 2019-20 में आपकी भर्ती हुई थी, जो कि आपके 5400 कुछ पोस्ट पर आपकी भर्ती हुई थी, उसके जो एग्जाम है वो टाइम पर ही आपके हो गए थे। अब ये भर्ती आपकी अफकोर्स आपकी 2024 में आपकी होने वाली है। और साथ ही में जैसे आपको पता है कि टोटल आपके 1907 आपके टोटल पोस्ट एक तरीके से खाली थी, और उसके बाद में आपकी 26 जिलों में 1035 यहाँ पर ये खाली रहे हैं, जो कि आप ई पेपर में क्लियरली देख सकते हैं। और 21 जो तहसील वगैरह है उनमें आपके 56 जो एक तरीके से नवसर्जित पोस्ट है, ठीक है। तो टोटली आपके 1998 जैसे आपकी टोटल पोस्ट है। और हर साल देखो, हर साल जो विभाग है 464 करोड़ के तकरीबन एक तरीके से खर्चा करता है, और अब आने वाले जो समय है उसमें ये जो खर्चा है वो दिन प्रतिदिन आपका बढ़ने भी वाला है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो अब आपकी भर्ती होने वाली है उससे रिलेटेड जो अपडेट आएगा वो आपको 2024 में ही देखने को मिलेगा। तब तक आप सभी छात्रों को पेशेंस रखना होगा, बाकी जो रेगुलर स्टडी है वो आप करते रहना। आज के लिए इतना ही, बाय।